फॉर ट्वेल्थ सिलेबस M2 के लिए डिफरेंशिएशन ये रिवीजन चैप्टर इज नाउ गोइंग ऑन। ये रिवीजन चैप्टर है और ये पीरियड नंबर 7 है। ऑलरेडी पहले 6 यानी पहले 6 पीरियड में फर्स्ट 6 पीरियड फॉर फर्स्ट पार्ट। अब ये जो है दोस्तों 7th पीरियड है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के लिए। देखो यह है 7th पीरियड फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन दोस्तों। और ये थ्योरम नंबर 2nd ये चैप्टर के लिए थ्योरम नंबर पहले पार्ट में फर्स्ट थ्योरम था 6 रूल। अब ये है 2nd थ्योरम। क्या है देखो 2nd थ्योरम, सपोज y इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। y इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ऑन एन इंटरवल i जो भी है, y इज 1 ऑन 2 एंड dy बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0 आल्सो। यानी y इक्वल टू f इन f ऑफ x है ना, यानी f इनवर्स ऑफ y है ना। ये स्पीडर में लो समझता नहीं है, y इक्वल टू f ऑफ x यानी और x इक्वल टू क्या है f इनवर्स ऑफ y है ना। ये x इफ f इनवर्स ऑफ y इज डिफरेंशिएबल ऑन r है ना f ऑफ r, देन dx बाय dy इक्वल टू 1 बाय क्या है दोस्तों, ये dx बाय dy इक्वल टू 1 बाय क्या है dy बाय dx, dy बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0। देखो दोस्तों ये है तुम्हारे लिए थ्योरम नंबर 2nd। देख लो क्या ये थ्योरम नंबर 2nd सबने देख लिया, y equal to f of x is the differential function of x on an interval r and y is 1 and 1 on 2 dy by dx is not equal to 0, f inverse of y also exists is the differential on r, then ye hame proof karna hai dosto. Second theorem dekh lo kya hai na, yani kya hai second theorem ke liye hamare paas dekh lo. फॉर सेकंड थ्योरम दोस्तों क्या है सेकंड थ्योरम, हाँ देख लो सेकंड थ्योरम के लिए हमारे पास क्या है, सिंस y इक्वल टू f ऑफ x है, y इक्वल टू f ऑफ x एंड x इक्वल टू f ऑफ y है ना, ये चलेगा x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y है ना, y इक्वल टू f ऑफ x यानी x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये है डिफरेंशिएबल फंक्शंस दोस्तों, यानी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, बोथ एग्जिस्ट यानी बोथ डिफरेंशियल फंक्शंस है। हाँ देख लो फिर वाई डिपेंड ऑन एक्स, एक्स है ना एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, मैं ऐसा लूंगा लेट देख लो डेल्टा एक्स बी द डिफरेंशिएबल, यानी वी कैन फाइंड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के लिए हमें स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट होना यानी स्मॉलेस्ट चेंज होना, लेट डेल्टा एक्स बी द क्या है, ये डेल्टा एक्स बी द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन एक्स करस्पॉन्डिंगली, देख लो दोस्तों करस्पॉन्डिंगली क्या है डेल्टा वाई इन वाई है, यानी y is a differentiable function of x, yes, yani x equal to f inverse of y, both are differentiable functions, yani delta x be the smallest increment in x correspondingly delta y in y, kya hai dosto ye both hai na, and delta x and delta y are smallest increments, kya hai fir ye delta x tends to 0 एंड डेल्टा वाई ऑल्सो टेंस टू 0 है दोस्तों, वेरी 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 स्मॉल डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बोथ आर वेरी 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 स्मॉल, देयरफॉर वेरी वेरी स्मॉल टेंस टू 0 एंड वेरी वेरी स्मॉल नॉट इक्वल टू 0। क्या है ये, वी कैन राइट ऐसा ले सकते हैं दोस्तों, देख लो डेल्टा वाई है बाय डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई,
ये बोथ आर वेरी वेरी स्मॉल, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, यानी ये कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल हो रहा, इक्वल टू वन। क्या है दोस्तों, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इक्वल टू वन बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्या है दोस्तों, बोथ आर वेरी वेरी स्मॉल, नेवर बी जीरो। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये है तुम्हारे लिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भाई देख लो क्या है, क्या ये इंक्रीमेंट्स है, हमें होना इसका लिमिट, देयर यू विल गेट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी कैन व्हाट, अ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग लिमिट, ये स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट्स है, ले लो टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के लिए लिमिट यूज करो दोस्तों। क्या ये लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इक्वल टू लिमिट ऑफ, क्या ये क्या है दोस्तों, देखो वन बाय लिमिट ऑफ, अब ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बोथ, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो ले लो, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है। हाँ क्या है दोस्तों, ये मान बनिए क्या है हमारे पास, वाई इज है डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या ये वाई इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या है दोस्तों, टेकिंग लिमिट बोथ। यहाँ पर मैंने सपोज ये वाई लिया, देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर टेकिंग लिमिट एज डेल्टा वाई टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स है, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स ऑल्सो टेंस टू जीरो। दोस्तों देख लो, अगर किसी को तो समझ में नहीं आ रहा तो देख लो क्या है हमारे पास, y टू f ऑफ x यानी x टू डेफिनेस ऑफ y, बोथ आर डिफरेंशियल फंक्शंस। अब ये यानी व्हाट, डेल्टा x बी द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन x करस्पॉन्डिंग इन डेल्टा y इन y है, अब ये डेल्टा x और डेल्टा y, डेल्टा x डेल्टा y वेरी 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 स्मॉल यानी बोथ टेंड्स टू जीरो। क्या ये मैंने इसको मल्टीप्लाई, ये डेल्टा है इसको मैंने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा, ये कैंसिल होता है दोस्तों, इक्वल टू वन। अब ये स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट्स है यानी मैंने इसको क्या किया है, इसको नीचे लिया है ना, ये हुआ राइट साइड टू है। अब क्या है, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा वाई टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, अब ये लिमिट यूज करा है ना, तो क्या ये लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई डेल्टा वाई टेंस टू जीरो इक्वल टू वन बाय, या ये लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है दोस्तों। क्या ये यहां तक देख लो, ये डेल्टा वाई है लेकिन डेल्टा एक्स है, मैंने क्या डेल्टा वाई टेंस टू जीरो यानी डेल्टा एक्स ऑल्सो टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई इज रिप्लेस बाय डेल्टा, ये डेल्टा एक्स है दोस्तों। हाँ देख लो क्या है, नेक्स्ट स्टेप देख लो, मैं लेफ्ट साइड में लूंगा, मोस्ट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। हाँ क्या ये, सिंस वाई है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, देयरफॉर क्या है दोस्तों, यूजिंग है लिबनिट्ज़ डेफिनेशन, क्या है यूजिंग लिबनिट्ज़ डेफिनेशन, y root f of x is a differential function of x using Leibniz definition, क्या है दोस्तों Leibniz definition, मालूम है definition or derivative, it is known as Leibniz notation, limit of delta y by delta x tends to zero equal to क्या है दोस्तों dy by dx है, ये first step you should know, ये second step है ना, अल्सो क्या है दोस्तों डी वाई बाय डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, डी वाई बाय डी एक्स है इज नॉट इक्वल टू जीरो है, देख लो क्या है, क्या है दोस्तों डी वाई बाय डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्या है ये, देयरफॉर लिमिट ऑफ डेल्टा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई
डेल्टा वाई टेंस टू जीरो इक्वल टू वन बाय है डीवाई बाई डी एक्स है, ये तीन नंबर दोस्तों है, ये जीरो नहीं है ना, ये जीरो नहीं है, यानी हम इसको ऐसा ले सकते हैं, है ना। ये तुम्हारा डेफिनेशन है, ए साइड मिला हमें, राइट साइड मिला डीवाई बाई डी एक्स, ये राइट साइड मिला ना, देयरफॉर क्या ये एल एच एस ऑल्सो एग्जिस्ट, एल एच एस भी मिलेगा, यानी वॉट लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो इक्वल क्या है दोस्तों डी एक्स बाय डी वाई, ये है चार नंबर, है ना। क्या ये फर्स्ट स्टेप यानी वॉट ये हुआ, सेकंड स्टेप के लिए दोस्तों क्या है वाई डिफरेंशिएबल है, यानी हम उसका डेरिवेटिव ले सकते यूजिंग लिबनिट्ज डेफिनेशन यानी रोटेशन, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है। अब ये हुआ यानी वॉट ये वैल्यू ये मिलेगा नहीं है, ये जो पार्ट है ये पार्ट मिला मुझे वन बाय डी वाई बाई डी एक्स है। अब ये क्या है दोस्तों राइट साइड मिला, राइट साइड यानी वॉट लेफ्ट साइड ऑल्सो मिलेगा, है ना, राइट साइड एग्जिस्ट यानी एल एच एस ऑल्सो एग्जिस्ट, एल एच एस क्या मिला ये मिला, देयरफॉर फ्रॉम वन टू थ्री फोर है, वन टू थ्री फोर जो भी है वो क्या होता है ये डी क्या है दोस्तों डी एक्स बाय डी वाई है ना, क्या ये साइड मिला डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू वन बाय क्या ये डी वाई बाय डी एक्स है, हियर डी वाई बाय डी एक्स ये नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये है दोस्तों डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी इनवर्स फंक्शन का यह थ्योरम है। इन दिस वे अगर तुम्हें एग्जाम में एग्जाम के लिए ये है, यानी एग्जाम के लिए कंपल तीन थ्योरम है जरूर के, आउट ऑफ थ्री वन विल बी कंपलसरी, उसमें से एक है दोस्तों मोस्ट टाइम अगर एग्जाम में पूछा है, एग्जाम में ये थ्योरम आया तो तुम्हें एज इट इज कवर करना पड़ेगा, एज इट इज लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये थ्योरम तुम दो तीन बार प्रैक्टिस करके देख लो, यू शुड नो दिस थ्योरम, वेरी वेरी मोस्ट हैप्पी थ्योरम है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला थ्योरम हुआ पहले पार्ट में, ये दूसरे पार्ट में एक थ्योरम है, और लास्ट बट वन पार्ट में एक थ्योरम है, आउट ऑफ थ्री थ्योरम्स वन विल बी कंपल्सरी फॉर यू फॉर फोर मार्क्स। तो इसलिए ये थ्योरम बहुत अच्छी तरह से रेफर करो दोस्तों, प्रैक्टिस करो। हाँ देट वॉज दे नेक्स्ट फॉर्मूले है देट वॉज हा ये देख लो, ये पार्ट के लिए यहाँ पर मोस्ट आईएमपी फॉर्मूले है तुम्हारे लिए, सिक्स फॉर्मूले देख लो क्या है। हाँ दोस्तों ये पार्ट के ऊपर तुम्हारे लिए सिक्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इनके प्रूफ्स मैंने ऑलरेडी पिछले टाइम में यानी लास्ट जो हमने देखा है डेरिवेटिव वहां पर दिए थे, वो तुम एज इट इज देगा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूले दूंगा और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। हाँ देख लो क्या है ये स्टैंडर्ड, हाँ देख लो दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोस्तों देख लो क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये फॉर्मूला, अब देख लो ये फॉर्मूले हमें मालूम होना क्या है ये। हाँ मैं आपके लिए यहां पर यूजिंग चेन रूल दूंगा, देखो क्या है ये एफ ऑफ एस एफ डैश ऑफ एस दोस्तों क्या है देख लो ये फॉर्मूले हमें होना। हाँ दोस्तों देख लो फर्स्ट वन साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन ये सेकंड के लिए कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, हा देन एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश ऑफ एक्स दोस्तों देख लो ये फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
हाँ ये cos इनवर्स ऑफ f ऑफ x, देन tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x, बाद में ये है cot इनवर्स ऑफ f ऑफ x, sec इनवर्स ऑफ f ऑफ x और cosec इनवर्स ऑफ f ऑफ x। हाँ दोस्तों, इसके लिए प्रूफ है हमारे सिलेबस के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए मैं आपके लिए ये जो सिक्स फार्मूले उनके लिए प्रूफ प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल ये फार्मूले तुम एज इट इज ले लो, क्या एडिट लोगा क्या ये f ऑफ x और f डैश ऑफ x साइन इनवर्स। याद रखने के लिए दोस्तों ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट के लिए फार्मूले यहाँ पर है। लास्ट टाइम जो हमने डेरिवेटिव दिया था उसमें इनके प्रूफ अवेलेबल है, वो प्रूफ यहाँ पर हमने नहीं लिए तो भी चलेगा, ये नॉट उतना बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले हमारे प्रॉब्लम्स के लिए होना। देख लो साइन इनवर्स क्रॉस इनवर्स, देख लो दोस्तों साइन इनवर्स क्रॉस इनवर्स दोनों का डेरिवेटिव सेम है, यूजिंग चेन रूल देख लो दोस्तों, वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, क्रॉस के लिए सेम दोस्तों वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, मालूम है ना, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है होल स्क्वायर, है ना, साइन इनवर्स के लिए वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस स्क्वायर। अब साइन इनवर्स छोड़ दो, क्या एफ का डेरिवेटिव दोस्तों एफ डैश ऑफ एक्स, इट इज नोन एज चेन रूल। अभी क्रॉस इनवर्स के लिए क्रॉस इनवर्स ऑफ वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू, अब एफ छोड़ दो, एफ के लिए क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, सिर्फ साइन के लिए दोस्तों प्लस तो क्रॉस के लिए माइनस, ये दोनों सेम फॉर्मूले, साइन इनवर्स क्रॉस इनवर्स वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, साइन के लिए प्लस क्रॉस के लिए माइनस, और एफ का डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल एफ डैश ऑफ एक्स। अब ये टेन और कॉट के लिए दोस्तों, टेन और कॉट के लिए, टेन के लिए वन बाय वन प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, कॉट के लिए वन बाय वन प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है। देखो दोस्तों टेन इनवर्स, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स के लिए वन बाय वन प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू, अब ये टेन छोड़ दो, क्या है एफ, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, कुछ नहीं यानी एक्स्ट्रा वन होता है दोस्तों, एक्स का डेरिवेटिव वन, अब ये क्या है दोस्तों वन बाय वन प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, अब ये एक्स का दोस्तों वन, मालूम है ये टेन के लिए प्लस लेकिन कॉट के लिए माइनस, यू शुड नो, ये जिनका भी स्टार्ट प्रोनाउंसिएशन जिनकी भी स्टार्टिंग सी से है दोस्तों कंपल्सरी माइनस। हाँ सेक और कोसेक के लिए, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए दोस्तों क्या है देख लो, ये क्या है वन बाय एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन है, वन बाय एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन इंटू है, ये इसके लिए सिर्फ वन बाय एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। देखो दोस्तों सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के लिए वन बाय एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन, वन बाय एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश कुछ नहीं यानी एक्स का डेरिवेटिव वन, लेकिन सेक के लिए प्लस तो कोसेक के लिए माइनस। इन दिस वे ये सिक्स फॉर्मूले है, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी फॉर यू दोस्तों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूले और कुछ बेसिक फॉर्मूले हमारे पास है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हमारे पास है उनके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट पीरियड में आपके लिए फॉर्मूले प्रोवाइड करूंगा। अब इनके जो प्रूफ है दोस्तों नॉट नेसेसरी, उसका टेंशन मत लो, जब ऑफलाइन पीरियड्स को शुरू होने वाले हैं तब हम इसको और एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल इनका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव ये है, कॉस इनवर्स का ये है, टैन इनवर्स का ये है,
cot ये है, sec के लिए ये यूज करना और cosec के लिए ये यूज करना, ये टेक्निक, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले तुम्हें मालूम होने चाहिए, यानी यू शुड नो। और कल यानी सॉरी जो नेक्स्ट पीरियड है, नेक्स्ट पीरियड के लिए मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑन दिस पॉइंट, ये टाइप के जो प्रॉब्लम्स है, ये पार्ट के जो प्रॉब्लम्स है, उनके लिए वो फॉर्मूले मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, आई विल प्रोवाइड यू इन योर नेक्स्ट पीरियड। ये जो पीरियड्स है, जो भी हमारे पास पीरियड्स चल रहे हैं, उनके लिए तुम रेगुलरली प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट हुआ, कुछ डाउट हो रहा तो तुम कॉल करो, मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें होमवर्क जो भी है, जिनके जिनके लिए पॉसिबल है, तुम सॉल्व करके पीरियड्स पे होमवर्क यहाँ तक क्लास तक प्रोवाइड हुए तो बहुत अच्छी बात है, या तो फिर तुम कॉल करके पूछ लो। ये है तुम्हारे लिए पीरियड नंबर सेकेंड, ये है इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। नेक्स्ट पार्ट विल बी इन योर नेक्स्ट पीरियड। फ्रेंड्स, ये थोड़ा हमारे पास थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो मैं उनके लिए आपके लिए फार्मूले दूंगा। ये मैंने सिर्फ यहाँ पर आपके लिए फार्मूले नोट करके दिए हैं, वो एज इट इज यूज करना है। और नेक्स्ट फार्मूले देखो दोस्तों, आप बेसिक फार्मूले है, देख लो क्या है। फॉर्मूले देख लो दोस्तों, आप नेक्स्ट जो फॉर्मूले है, बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमें होना। देख लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लो क्या है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यू नो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, देख लो दोस्तों, क्रॉस इनवर्स ऑफ एक्स, then tan inverse of x, then sec inverse of x, cosec inverse of x or cot inverse of x, मालूम है इनवर्स या सॉरी ये देख लो रेसिप्रोकल। साइन इनवर्स के लिए यू नो वेरी वेल cosec inverse of i 1 by x। अब इनके जो प्रूफ्स वो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है दोस्तों, प्रूफ्स आर नॉट आस्क्ड फॉर यू, ओनली यू शुड नो साइन इनवर्स ऑफ x एंड उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec inverse, cos inverse का reciprocal you know very well, sec inverse of 1 by x, tan inverse का reciprocal दोस्तों मालूम है, tan inverse का reciprocal तुम्हारे पास है क्या है, cot inverse of x, sec inverse के लिए दोस्तों, sec inverse के लिए you know very well, sec inverse के लिए cos inverse of 1 by x, then cosec inverse के लिए है, ये cosec inverse के लिए हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स है 1 बाई एक्स दोस्तों, और ये कॉट के लिए टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स है। यू शुड नो दोस्तों ये फॉर्मूले मोस्ट यानी मोस्ट, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मालूम होनी चाहिए, यू शुड नो दिस फॉर्मूले। हाँ, सेकंड पार्ट में देखो दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, देन क्रॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, then tan inverse of minus x, then cot inverse of minus x, then sec inverse of minus x, और ये क्या है दोस्तों, cosec inverse of minus x। हाँ देख लो दोस्तों, माइनस साइन, साइन के साइन tan और cosec तीनों के लिए माइनस tan inverse of x, ये माइनस क्या है दोस्तों, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, साइनस ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस साइनस ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ ये तीनों सेम है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस टेन इनवर्स ऑफ, और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये तीन क्या है, ये कॉस इनवर्स के लिए वाय माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट के लिए वाय माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, और ये सेक के लिए वाय माइनस cot inverse of x। ये है दोस्तों सेकंड पार्ट। देन
ये थर्ड पार्ट के लिए फॉर्मूले क्या है, देख लो थर्ड पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट साइनस ऑफ, ये पहले पार्ट में फॉर्मूले है, बेसिक फॉर्मूले, दूसरे पार्ट के लिए ये तीसरा पॉइंट है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, देख लो साइनस ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, देख लो ये अब इनके लिए प्रूफ नॉट नेसेसरी, देख लो cot inverse of x plus tan inverse of x equal to also pi by 2, then sec inverse of x plus क्या है, cosec inverse of x equal to also pi by 2, तो ये है दोस्तों हमारे लिए most यानी most important formula, then देख लो sin inverse of sin x है, ये sin sin cancel किया ये साथ तक, then cos inverse of cos x दोस्तों x, then tan inverse of tan x, tan what x, same ना क्या है दोस्तों, then cot inverse of cot x यानी x, sec inverse of sec x यानी also x, और cosec inverse of cosec x यानी यहाँ पर x, ये है फोर्थ पार्ट दोस्तों, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, देन फिफ्थ के लिए फिफ्थ और सिक्स्थ देख लो दोस्तों, बहुत यानी बहुत आईएमपी फॉर्मूले है तुम्हारे लिए दोस्तों, ये फिफ्थ के लिए देख लो साइन वर्स ऑफ एक्स, ये साइन इधर जाता है यू सेम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूले सिक्स नोट करके रख, यू हैव टू नोट डाउन इन योर बुक, और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करना है दोस्तों, देन tan इनवर्स ऑफ x यानी x, क्या है ये, देन cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू ऑल्सो x, sec ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, देन cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, राइट, ये फिफ्थ वन, देन अब ये सिक्स्थ वन के लिए दोस्तों देख लो सिक्स्थ वन क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, कंडीशन में आपके लिए प्रॉब्लम्स में वेरिएबल नेसेसरी वहां पर बताऊंगा, लेकिन देखो क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ और y, देख लो दोस्तों, देन tan इनवर्स ऑफ क्या है x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y है, देख लो दोस्तों ये है tan इनवर्स ऑफ y, देन यहां पर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y और 1 प्लस क्या है 1 प्लस है ना दोस्तों, ये हमें ये है तुम्हारे लिए, ये दो इम्पोर्टेंट है, थर्ड भी फॉर्मूला है हमारे पास, मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स में उसके लिए बताऊंगा, ये है तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर्मूले फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड, थैंक यू दोस्तों।